शुभ संध्या दर्शक बंधु, राति 10:00 दस टी बड़ खबर। प्रथम खबर उपरे नजर पकाइबा, महाजात्रा रे देशर प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत दिल्ली कैंट स्थित क्रिमेटोरियम रे जनरल रावत आउ पत्नी मधुलिकांकर पार्थिव शरीर पंचतत्व रे विलीन हो जाइछि। 17 तोप सलामी आउ 800 जवान को उपस्थित रे दुई झियो कृतिका आउ तारिणी मुखाग्नि देइछंती। या पूर्वरु प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल, केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर आउ तीनी सेनार प्रमुख अधिकारी श्रद्धांजलि देइथिले। परिवार अन्य सदस्य माने शेष विदाय जनाइबा पाई क्रिमेटोरियम रे पहुंचिथिले। जनरल रावत पार्थिव शरीर को दिल्ली राजरास्ता रे एक शोभायात्रा रे निया जाइथिला। दिल्ली बरारा स्क्वायर श्मशान रे संपूर्ण सम्मान सहित सामरिक सम्मान सहित शेषकृत्य संपन्न होइछि। दिल्ली कैंट बरार स्क्वायर रे ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिडन अश्रुल आखिरी आज अंतिम विदाय दिया जाइछि। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिडर को विदाय देइछंती पत्नी गीतिका लिडर आउ झियो आसना। दिल्ली कैंट बरार स्क्वायर रे स्वामी कफिन को चुंबन दे विदाय देइछंती पत्नी। यहाँ पर सेना पक्षरो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाइथिला। झियो आसना मुखाग्नि देवा परे पंचतत्व रे लीन होइथिला वीर जवान पार्थिव शरीर। जनरल बिपिन रावत परे नुआ सीडीएस किए हेबे से नै कल्पना जल्पना आरंभ होइछि, चर्चा हेउछि। वरिष्ठता दृष्टि सेना मुख्य मनोज मुकुंद नरवणे एवं नरवण को नहीं जो चर्चा चली गोटे कथा अनुमान करा जे हुए तो से आग को सीडीएस हो पारती। आकलन सत हेले से सेना अध्यक्ष पद छाड़े आउ देशर सेना उपमुख्य लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद महांती जे कि जड़े उड़िया नुआ सेनाध्यक्ष होवार संभावना रही। यही पद लगे नॉर्दर्न कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी नाम चर्चा रही। उभय जोशी एवं महांती गोटे ब्याच्र किंतु वरिष्ठता दृष्टि महांती आगरे अच्छा। एलओसी रे सैन्य परिचालनार अभिज्ञता दृष्टि महांती सेना मुख्य होवार संभावना अधिक बोली चर्चा होड़शार। जगत सिंहपुर जन्मित चंडी प्रसाद महांती गत फेब्रुवरी सेना उपमुख्य भाव दायित्व तुलाऊ। ममिता मेहर हत्या मामलें मंत्री दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा दावी कर गतकाली बीजेपी हंगामा करने आज कांग्रेस विक्षोभ आउ प्रतिवाद कर समय रणक्षेत्र पलटि जाता। राजधानी कांग्रेस कर्मी पुलिस को अंडा आउ टमाटो माड़ करते गतकाली भली पुलिस सेते संयमता रक्षा नक शीघ्र लाठीचार्ज कर कांग्रेस कर्मी को गोड़ाई गोड़ाई माड़ मारी पुलिस। एपरिक कांग्रेस भवन भितर लुचि कर्मी को टाणी आनी माड़ मारी देखापी मिलता। पुलिस आक्रमण प्रतिवाद रे कांग्रेस कर्मी माने मास्टर कैंटीन ने दीर्घ समय धरी रास्ता अवरोध करते। डीसीपी धारणास्थल में पहुंची 7 दिन मध्य तदंत करश्रुति। अधारु सरला विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन। ममिता मेहर मृत्यु झड़े गोटे दिन भी ठीक भाव में चली पारानी गृह। 17 कार्य दिवस पूर्व विधानसभा को अनिर्दिष्ट काल पर मुलतवी रखिंट बाचस्पति। अधिवेशन यही 9 दिन में ममिता मेहर हत्या को नहीं हुलस्तुल होता गृह। विधानसभा भितर आउ बाहर बीजेपी और कांग्रेस अभिनव प्रतिवाद देखापी मिलता। प्रथम दिन ताला पकाई प्रतिवाद को जोरदार करथिला कांग्रेस। बीजेपी गंगा जल आउ गोबर पानी छिंची प्रतिवाद करथिला। सेपटे केन्द्र अवहेला को प्रसंग करी गांधी मूर्ति तले धारणा देथिला शासक दल। अधिवेशन काल रे गोटे दिन भी प्रश्न काल चली पारि नथिला कि गोटे भी मुलतवी प्रस्ताव आलोचना होई पारि नाही। प्रबल हट्टगोल मध्यरे अतिरिक्त व्यय मंजूरी बिल पारित होइछि। या सहित सरकार पाइक विद्रोह को प्रथम स्वाधीनता संग्राम मान्यता देवाई एक संकल्प पारित करिसंती। देशरे ओमिक्रॉन संख्या बढ़िबारे लगी। महाराष्ट्र आउ 7 जन ओमिक्रॉन आक्रांत चिन्हट होइछंती। सेतिमध्यरु जणे 3 वर्षर शिशु ओमिक्रॉन रे संक्रमित होइथिबार जणा पड़िछि। सेपटे गुजरात रे 2 नुआ मामला चिन्हट पर देश में मोट ओमिक्रॉन आक्रांतों संख्या 32 पहुंची।
गोटे पटे ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ुची, अन्य पटे भारत में मास्क व्यवहार कमिबा सरकार चिंता को बढ़ाई यहाँ सतर्क कराई केंद्र सरकार। नीति आयोग स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल कहते प्रथम लहर पर कटकणा न मानवर द्वितीय लहर सांघातिक होता एवं से ही अवस्था सृष्टि आग भाई लोक मास्क व्यवहार करुन संक्रमण बढ़िवार आशंका देखाई। महंगा डबल मर्डर घटन कोर्ट निर्देश को बारंबार एड़ाई आसुवा महंगा थाना आईआईसी शेष हाजर होती कोर्टे निर्देश अनुजाई कोर्टे दाखल करेट केस डायरी आर फोन कल संपूर्ण बरणी। महंगा डबल मर्डर मामलें जेएमएफसी तीन जन व्यक्ति कॉल डिटेल्स बाहर करने पुलिस को निर्देश देते एथस यही मामलें 13 नंबर अभियुक्त मंत्री प्रताप जेना ना को कहीं चार्जसीट रु पुलिस काटि से नहीं पूर्व रिपोर्ट मांगे कोर्ट आईआईसी कोर्टे कौन रिपोर्ट दाखल करगामी दिन में स्पष्ट हो। स्वामी स्त्री कली तुटाई ब्रह्मपुर एसडीजेएम कोर्ट जो गुरुत्वपूर्ण निर्देश देते 8 दिन पर से निर्देश पानी में मिली जा पत्नी सह एकाठी रहिबाकु कोर्टकर निर्देश 24 घंटा न पूर्णु स्वामी सुमित फेरार होइतिबार अभियोग आनिछंती पत्नी तपस्विनी। सुमित घर जीवा परे मोबाइल स्विच ऑफ अछि बोली तपस्विनी कहिछंती। डाक्टर सुमित आउ तपस्विनी मामलें गुरुवार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति सुनाइथिले कोर्ट। परवर्ती शुणाणी जाए गोटे घरे रहिबा तपस्विनी आउ सुमित को निर्देश देइथिले कोर्ट हेले परवर्ती शुणाणी पूर्वरु सुमित फेरार हो जाइछंती जहां तंकर पत्नी गणमाध्यम को सूचना देइछंती। नुआ वर्ष रे बंद रहिबो श्रीमंदिर डिसेंबर 31 आउ जनवरी 1 रे श्रीमंदिर रे जगन्नाथंकर दर्शन बंद रहिबो एने छतीसा नियोग बैठक रे निष्पत्ति निया जाइछी। छतीसा नियोग बैठक रे होइतिबा निष्पत्ति अनुसार नुआ वर्ष रे लगातार 3 दिन पई श्रीमंदिर बंद रहिबो डिसेंबर 31 आउ जनवरी 1 तारिख सह 2 तारीख रविवार पड़ुछि तेणु नुआ वर्ष रे लगातार 3 दिन लागि जगन्नाथंकर दर्शन बंद रहिबो। सेहिभली छतीसा नियोग बैठक रे पहिली भोग मकर संक्रांति आउ देवाभिषेक नीति निर्घंट चूड़ांत होइछि। दिल्ली रे प्रदूषण हार कमिबारे लागिछि प्रदूषण कमुथिबारु दिल्ली रे बंद थिबा निर्माण काम बंद थिबा कारखाना फैक्ट्री को तदारक करि कटकणा कोहल करिबा पई सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइछन्ति। गोटे सप्ताह भितर ए संपर्क निर्णय नेवाई वायु परिचालना कमिशन को निर्देश देते सुप्रीम कोर्ट तेणु दिल्ली में लगि कटकणा सामान्य कोहल हो पारे बोली आशा करा पूर्व निर्माण श्रमिक मान आर्थिक सहायता देवाई दिल्ली आउ यार पार्श्वर्त राज्यगुड़ी सुप्रीम कोर्ट निर्देश देते किंतु कोर्ट को राय को अवमानना कर वर्तमान पर्यंत कौन राज्य सहायता देना एने संपृक्त राज्य सरकार गुड़ी को रिपोर्ट तलब कर सर्वोच्च न्यायालय। दर्शक बंधु ये राति 10:10 बड़ खबर।